नमस्कार, मैं विशाल अकबर। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो राम सेतु को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है। अब इसको लेकर मास्टर स्ट्रोकवादी भ्रम फैला रहे हैं। सच्चाई क्या है, भ्रम क्या फैला रहे हैं, पूरी बात आपको बताऊंगा। इसके अलावा आरएसएस भोज कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। क्यों कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। इसकी पटकथा कैसे लिखी गई, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, सारी बात बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा ये लोग हिंदुत्व की आड़ में कैसे हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं राम सेतु से। अक्सर लोग बोलते हैं भाई बीजेपी ड्रेल हो गई है। बीजेपी शुरू से ही ड्रेल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को आरएसएस के लिए, और नरेंद्र मोदी को बीजेपी की सच्चाई दुनिया के सामने उजागर करने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर बोलता हूं। अब क्या हुआ कि जिस चीज को लेकर ये लोग माहौल बनाते रहे, राम सेतु। अब राम सेतु को लेकर जो केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है, जो कि जितेंद्र सिंह मिनिस्टर है, कार्तिकेय शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक सवाल किया कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही उनकी उदासीनता रही, इस सरकार ने क्या किया। तो मैं पहले जवाब आपको बता देता हूं, और इसमें क्या क्या मास्टर स्ट्रोक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ बताने के लिए ना एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है। कई बार किसी चीज का स्क्रीनशॉट शेयर करो तो हमें लिंक भी शेयर करो, तो कितना क्या क्या कर रहे। तो केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया कि उनके पास कोई इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है, सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें कैद हुई है उसमें चूना दिखाई देता है, आइलैंड दिखाई देता है, और कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो राम सेतु ही है। हो भी सकता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक तरफ दूसरे पक्ष को खुश कर दिया, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष को खुश कर दिया, मतलब इधर भी खुश उधर भी खुश। ये लोग कंट्राडिक्टरी बात करते हैं, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं। अक्सर ये विचारधारा की बात हमेशा करते, लेकिन इनका कोई विचारधारा है ही नहीं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इनकी कोई विचारधारा नहीं। इनकी विचारधारा है लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाना और वोट उगाही करना। अब भगवान राम को लेकर इन्होंने जितनी पॉलिटिक्स की, सबसे बड़ी बात है कि वो आस्था की चीज है। अब ये मामला क्यों आया, इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा केंद्र सरकार की। जब जवाब देने की बारी आती है, पता नहीं, भगवान जाने, मैं नहीं जानता, पता नहीं आप भी नहीं जानते होंगे कि ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है। इन्हीं के नेता है अश्विनी उपाध्याय, बेचारे राष्ट्रहित से जुड़े हर याचिका लगाते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि वो उसके चक्कर में अपना पर्सनल कितना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो अश्विनी उपाध्याय जो भी याचिका लगाए या कोई भी राष्ट्रहित से जुड़ा मुद्दा रहे, केंद्र सरकार टाल मटोल करती है। अब मैं उसके ऊपर लेन नहीं ले जाऊंगा, लेंदी हो जाएगा। तो केंद्र सरकार बार बार समय मांगती है। सच पूछिए तो ये समय काट रहे। समय मांगने के पीछे क्या होता है कि ये समय काट रहे। आखिर इन्होंने जवाब दे दिया। अब मास्टर स्ट्रोकवादी इसमें क्या कर रहे कि भाई पूरा पढ़ो, पूरा क्या हम पढ़ ले, तुम यही कहोगे ना कि केंद्र सरकार ने किसी संभावना से इनकार नहीं किया, तो तुम्हारी आस्था किस चीज की है। 2007 में कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक थे। उस चीज को लेकर इन लोगों ने, आपको पता है, आपने कई सारे डिबेट्स देखे होंगे, हर डिबेट में ये लोग कांग्रेस को चिढ़ाते रहे। तो फिर आज कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर आ गया। बीजेपी के कार्यकाल देखे और कांग्रेस के कार्यकाल देखे तो लगता तो यही है कि जो मास्टर कांग्रेस को पढ़ाता था वो आज वाइस चांसलर बन के बीजेपी को ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि इनके राज में इन्होंने कांग्रेस को हर मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। अब ये लोग जो सोचते हैं कि ये लोग तो पहले बड़े अच्छे थे। 2004 में वाजपेयी जी ने 3500 करोड़ का बजट आवंटित किया था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट,
किस लिए किया था? वहां पे शिपिंग चैनल बनाना चाहते थे। उसके बाद देखिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में आप सुनते हैं, एक सरकार जहां कुछ करके जाती है तो दूसरी सरकार उसको आगे बढ़ाती है। यही चीज हुआ, कांग्रेस को ये लोग दोस्त कोसते रहे। भगवान राम का तो इन्होंने जबरदस्त इस्तेमाल किया, इस तरह से इस्तेमाल कर दिया कि अब भगवान राम टर्मिनल हो गए लोगों के लिए। उस भगवान राम के नाम पर इन्होंने सत्ता हासिल की, और अब वो लोग, अब इन्हीं के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि हमने भगवान राम को जीवन दान दी वरना कहीं समुद्र में पड़े रहते। और आप इनके हिंदू द्रोह की बात करेंगे, अभी मैं नाम भूल रहा हूं, इनका कोई विधायक था उत्तराखंड का, उसने बोला कि विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। इनका विधायक बिहार का ललन पासवान, वो हिंदुओं को चिढ़ा रहा है कि अगर सरस्वती जी को पूजा करने से आपको विद्या आती तो बाकी दूसरे समुदाय वाले अशिक्षित होते, हनुमान जी के पूजा करने से आपके अंदर बल आती है तो दूसरे वाले निर्बल होते, लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपको धन मिलती है तो दूसरे वाले उद्योगपति नहीं होते। तो ये लोग इस तरह से हिंदू द्रोह में आज लिप्त हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो चाटुकार मंडली है समझकर राजी नहीं। और एक चीज देखिए, जिसके वोट से ये सत्ता में आए उसके खिलाफ ही सारे काम कर रहा है। कोई भी इनका काम उठाकर आप देख लीजिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी उनके लिए है जो इनको गाली देते हैं, इनको वोट नहीं करते। कोई भी मामला आप उठाकर देख लीजिए। अब उसकी पूरी बात बता देता हूं। जितेंद्र सिंह ने जो पक्ष रखा अपना, उसमें आगे बताया कि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है, ये 18,000 साल पुराना मामला है और 56 किलोमीटर लंबा है, तो इन्होंने इनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठा दिया। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में कहां अंतर है? उन्होंने तो कुछ भी हुआ, अब इन्हीं के नेता हैं शाहनवाज हुसैन, अगर 2000 का अगर कोई भाषण चाहिए तो आप उठा लीजिए कि राम मंदिर के ऊपर वो क्या बोल रहे थे। उन्होंने तो एक तरह से सारा क्रेडिट को राम मंदिर को लेकर उन्होंने कांग्रेस को कोसा कि कांग्रेस की वजह से राम मंदिर बन रहा है। अब इनके नेता बोलते हैं तो वो सब ठीक, दूसरा कोई गलत। तो ये तो रहा राम मंदिर का मामला। दूसरा मामला आरएसएस, ये कमाल का संगठन है, कमाल का संगठन। आपको पता है क्रिसमस भोज कर रहा है, इनके इंद्रेश कुमार, एक मैंने पोस्टर डाला था, कुछ लोग बता रहे थे कि एडिटेड है, फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गंगानगर का है, श्री गंगानगर में ये और कोई इनके प्रचारक है मुरारी दास, ये लोग थे। और सच बताऊं तो इतना टाइम नहीं होता एडिट करने के लिए, तो बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग कर ले, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के ना उनका फोटो बनाते चले, क्योंकि सच्चाई है कि इनकी सच्चाई इतनी खतरनाक है कि जो जान जाए तो किसी को भी घृणा हो जाए, तो इतना टाइम नहीं है अपने पास ये इनकी एडिटिंग करके हम लोग पेश करते रहे, बस इनकी सच्चाई लोगों तक पहुंच जाए, यही इतना खतरनाक हो जाएगा कि क्या बताए। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि मेघालय भवन में वहां पर क्रिश्चियन पार्टी दी जा रही है। अब इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, इनके कोई मिनिस्टर है जॉन करके, जॉन बार्ले या कुछ है, ऐसा ही नाम है, जॉन तो है ही, उन्होंने इसकी जानकारी दी है और उसमें इंद्रेश कुमार को बुलाया गया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो क्रिश्चियन मिशनरी, जो मिशनरी सॉरी, जो क्रिश्चियन संस्था के हेड होंगे उनको इनवाइट किया गया है। इसके अलावा इनका जो ध्यान है केरल से कश्मीर, तो पहले केरल की बात कर लेते हैं। केरल में जब ये 2016 में चुनाव लड़े तो वहां पे इनको जो वोटिंग परसेंटेज रहा, जो मिला इनको,
10.53, और 2021 में वो हुआ 11.3। अब ये लोग जो भी टोटल पॉपुलेशन है वहां की 3.5 करोड़, और उसमें 18% क्रिश्चियंस, अब उनको ये साधना चाहते हैं कि उनके सहारे हम हिंदू तो है ही, कहाँ जाएगा, हिंदू के पास विकल्प नहीं है, अभी भी पता नहीं है, अभी तो कोई नहीं दिखेगा, वैसे दिख जाते हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है, इसीलिए तो हमने दाएक्स मोदी भगत शो शुरू किया है। बताओ कि इससे कोई घटिया हो तो और बता दो। तो उनके सारे उनको साधा साधा जाएगा। दूसरा मामला है अब कश्मीर का। कश्मीर में देखिए, कश्मीर में भी हाल की बात है, सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, और आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। वहां पे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो कि कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए, उनको इन्होंने एसटी कैटेगरी में डाला। टोटल जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन है 1,25,00,000, जिसमें 26,000 के करीब ईसाई बताए जाते हैं, तो उनको साधने की तैयारी है। मैंने कल चर्चा किया था कि ये किस तरह से उनके जो बिशप के हेड हैं उनसे मिल रहे हैं, और इसके पहले पोप से ये मिल चुके हैं, तो ये लोग हर किसी से मिलेंगे जो इनको गाली देता है। लेकिन उसमें भी रणनीति है, मास्टर स्ट्रोक है, आप उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं कि आपसे ये बोलते हैं कि आप 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाइए। मैं नहीं जानता कि इनका चुनाव कब हुआ था, कब हिंदू समाज ने इनको अपना नेता मान लिया, अपना आदर्श मान लिया, मैं नहीं जानता। आपको पता है इस बार रोजा इफ्तारी करा रहे थे संघ वाले, अब यहां क्रिसमस पार्टी कर रहे हैं, और आपसे बोल रहे हैं कि देवी देवताओं को भूल जाओ, तो मतलब इनकी मनसा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, किस मनसा के साथ ये सब कर। अब इतना समझने के लिए तो पूरा स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात है कि देखिए, जब इनके पास कोई तर्क नहीं है, पहली बात नहीं, इनको कितने बार, मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा स्वभाव नहीं है कि किसी के पीछे पड़ू कि आ जाओ लाइव के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कई बार चैलेंज किया कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते ही नहीं है, और जो आते हैं वो एक्सपोज होकर चले जाते हैं, तो ये लोग नहीं आते, और क्या करते हैं, लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। अब ये जो बातें हो रही है, आपने किया है तभी तो हो रहा है, और आप खुद को एक सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, लेकिन आप तो बीजेपी के कुली का काम कर रहे हैं, आपको 2024 को ध्यान में रखते हुए सब काम करना, तो आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप खुद को सांस्कृतिक संगठन बताकर कब तक आप लोगों को बरगलाते रहेंगे, और खास करके इस सोशल मीडिया के दौर में ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। अब इनका हिंदुत्व से कितना प्यार है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी जरूरी है। बीजेपी वाले चुनाव तो हिंदुओं के वोट से जीतते हैं, सपोज अगर आप यादव हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, हरियाणा के भी हो सकते हैं, राजस्थान के भी, एमपी कहीं के भी हो सकते हैं, तो ये लोग लालू प्रसाद यादव का तो नाम भूल गए, अखिलेश यादव का नाम लेते हैं, ये पक्का सपाई है, अगर आपने इनके ऊपर सवाल उठा दिया तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि यूपी हो या बिहार हो या कहीं के भी हो, यूपी बिहार के अलावा तो जो दूसरी जगह के यादव हैं मोस्टली इन्हीं को वोट करते हैं, तो फिर उसके ऊपर ये सवाल उठाएंगे। यूपी चुनाव के दौरान आप देख रहे थे, ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, कभी ये ठाकुरों को गाली देते हैं, तो तुम गाली सबको देते हो तो वो जीत किसके बदौलत रहे हो, क्या पसमानदा की वजह से, जैसा अभी रामपुर में हुआ है, वहां का वोटिंग परसेंट डाउन हुआ क्योंकि राम आजम खान का मामला था, उसको ये पासमानदा प्रेम दिखा रहे हैं। तो जब स्थिति आज ये बन गई कि चलिए देखिए, पॉलिसी से तो इन्होंने साइडलाइन कर दिया पूरी तरह से, उसको लेकर एफिडेविट दायर हुआ तो इन्होंने बता दिया कि हिंदू चूंकि मेजोरिटी में इसलिए दबंग है, तो हमें मतलब इनको दबंग मानना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हिंदू इतना दबंग है कि हर जगह से पलायन कर रहा है, कोई ऐसा दिन उठा कर नहीं ला सकते जिस दिन 2, 4, 10, 20 लफ्ज हाथ के केसेस ना आए। तो मैंने तो नहीं सुना है या देखा है कि किसी भी दबंग व्यक्ति के लड़की के ऊपर कोई नजर उठाकर भी देख पाता है,
लेकिन इन्होंने उसको दबंग घोषित कर दिया। अब ये लोग इस तरह से तो गाली देते हैं, वोट उन्हीं से चाहिए, चुनाव जीतते हैं तो सबका साथ सबका विकास, और पसमानदाओं ने भारी संख्या में इनको वोट किया। अब ये लोग पसमानदा, उनका नाम लेना नहीं भूल रहे, तो बेहतर होगा कि 2024 का चुनाव पसमानदा हिताय पसमानदा सुखाय के नाम पर लड़े, तब थोड़ा मजा आए। वैसा इस तरह से कोई मजे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अब किसी को वोट देने से क्या फायदा है जब अब उसके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। सवाल उठा देंगे तो ये भी बता देंगे आपने जीवन में कभी इनको वोट किया ही नहीं हो। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री है फगन सिंह कुलस्ते, आदिवासी विकास परिषद की बैठक हो रही थी, वहां एक किताब लिखी गई है अधूरी आजादी। देखिए उसमें गांधी के लिए क्या लिखा है, नेहरू के लिए क्या लिखा है, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता ना मैं उस चीज, मतलब मेरा गांधी नेहरू को मैं पहले भी पसंद नहीं करता, लेकिन अब मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि हमारे मेरे सामने मोदी और भागवत जैसे लोग हैं, तो फिर मैं क्या उनका नाम लूं, इनके सामने तो वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं दोनों। तो वहां पर क्या किया गया कि किताब में वो बताया गया, वैसे अशोक गहलोत को भी इन्वाइट किया गया था लेकिन अशोक गहलोत नहीं आए क्योंकि उन्होंने पहले भी भाप लिया था शायद कि शायद वहां कंट्रोवर्सी होगी। तो वहां बताया गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये सभी लोग यूरेशिया से आए थे, यही आरएसएस मानता है, सर्च कर लीजिए, कि ये क्रिश्चियन का प्रॉपगंडा है मूल निवासी वाला, कि क्रिश्चियनों ने मतलब अपनी पॉलिटिक्स के लिए ऐसा प्रॉपगंडा तैयार किया। उसके लिए तो ये आप भोज पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, और फगन सिंह कुलस्ते जहां मौजूद होते हैं वहां बताया जाता है कि ये लोग यूरेशिया से आए थे। तो जब ये यूरेशिया से आए थे, जो अपने आपको अरबी बताते हैं वो मूल निवासी, जो कि ये चीज पहले से प्रूफ हो चुका है कि कोई बाहर से नहीं आया था, सभी इसी देश के नागरिक थे, तो ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो भाई कैसा ये हिंदुत्व है। और अब ये भी देख लीजिए आप, कई बार ये ब्राह्मणों को गाली देते, देखिए मेरा पर्सनली व्यक्तिगत मानना है कि जैसे अगर कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहा होता है तो उसके लिए भी स्टैंड है, किसी यादव के लिए या किसी दलित के लिए भी देगा तो उसके लिए भी अपना स्टैंड उसके साथ होगा। तो फिर क्या करते हैं लोग, अगर उसके ऊपर आप सवाल उठा देते हैं तो आपको बताते हैं कि ना आप बड़े वाले जातिवादी हैं, मतलब उसमें क्या है, अगर कोई है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जो वो धर्म का विरोधी है। धर्म का विरोधी नहीं होना चाहिए, किसी की कुछ जातीय आइडेंटिटी है तो है, अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आप ऐसा कुछ संशोधन कीजिए ना। वो तो बच्चा अगर नहीं भी जाने तो वो कोई फॉर्म किसी भी एग्जाम के लिए वो अप्लाई करता है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां उसको अपनी कैटेगरी तो एटलीस्ट मेंशन करना ही पड़ जाता है, जाति भी पूछ ली जाती है, तो उसकी तो मजबूरी है, तो ये चीज आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अब गांधी जी को मोदी जी बहुत मानते हैं, आपको पता ही है, गांधी जी के बारे में लिखा गया कि वो व्यभिचारी थे, नस्लवादी थे, दोहरे मापदंड वाले थे, और नेहरू के बारे में लिखा गया कि वो परिवारवाद और ब्राह्मणवाद को हवा दिए। तो फगन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी गांधी को भी मानते हैं, अंबेडकर को भी मानते हैं, ये सबको मानते हैं, जो कि पहले अगर देखा जाए तो ये लोग सावरकर की बात करते थे, लेकिन अब कहाँ है सावरकर, अभी कर्नाटक में चुनाव है तो ये तस्वीर लगाना चाहते हैं, जब लगाना ही था तो पहले ही लगा चुके होते। अब क्या हुआ कि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, अब कांग्रेस विरोध कर रही है, उसी को तो भुनाना है। देखिए इन्हें काम नहीं करना होता है किसी भी चीज को लेकर, इनको सिर्फ एक चीज है कि हमें कोई भी मुद्दा है उसको सिर्फ भुनाना है, तो ये भुनाने के लिए इस तरह के ना मुद्दे कॉइन करते हैं और अगले का रिएक्शन आता है उस रिएक्शन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये लोग इस तरह के हिंदुवादी हैं, जो कि शायद लगता है कि पासवानदा के बदौलत ही चुनाव जीतेंगे, तो इनके लिए तो बधाई हो, देखते हैं। बाकी जो सुना करते थे ना आप इनका, जो राम का नहीं मेरे किसी काम का नहीं, तो इसी में याद आ जाते हैं मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव हुए, कल्याण सिंह जी मरे
तो उनको वो लोग देखने तक नहीं गए। और ये लोग उसको मतलब अपना तीर्थ स्थल बना लिया था। जब जीवित भी थे तो इनका कौन सा नेता नहीं जाता था मिलने के लिए, अब ऐसे क्या राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाले। तो फिर पहले तय कर लो ना। और ऐसा क्यों होता है कि आपकी विचारधारा कुछ और है और आपके लीडर कुछ और है, दोनों सेम होने चाहिए। चलिए बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।